तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है? वही हड्डी वही खा ले या नहीं है? चलो खैर, डिफाइन द पार्टीज ऑफ चाय। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पार्टीज डिफाइन करने वाले हैं चाय की। ठीक है, देयर आर थ्री पार्टीज ऑफ चाय एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो थ्री पार्टीज ऑफ चाय होती हैं बेसिकली। पहला होता है पार्टीज, यानी कि मतलब कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक चेक के ड्रॉ होने में। ठीक है, एक चेक के विड्रॉ होने में कितने परसेंट, कितने लोग इन्वॉल्वमेंट होती है, कितने लोगों की? तो तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिकली। ठीक है, ड्रॉयर, ही इज द पर्सन हु साइन द चेक, ऑर्डर द बैंक टू पे डेफिनेट सम ऑफ मनी अगेंस्ट हिज अकाउंट। ठीक है, ड्रॉयर वो होता है जो कि चेक लिखता है, असली जो अकाउंट होल्डर भी जिसको कहते हैं। ठीक है, वो उसका मतलब उसके नाम पे बैंक में अकाउंट होता है और वो चेक को ड्रॉ करता है और ड्रॉ करके किसी को देता है। ठीक है, अब जो जिसको देता है वो होता है ही इज अ पर्सन हु कैरीज आउट द ऑर्डर फ्रॉम ड्रॉयर इन केस ऑफ अ चेक ड्रॉ इज द बैंक। ठीक है, अब ड्रॉयर ने चेक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसने किसी बंदे को दिया, वो बंदा किसके पास ले जाएगा? ड्रॉई के पास ले जाएगा। ड्रॉई जो कि बैंक होती है अमूमन। ठीक है, अब वो बैंक उस चेक को देखेगी और समझेगी कि सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, साइन सही हुई है नहीं ली हुई है, डिसऑनर्ड ऑफ चेक का के रीजन चेक करेगी नहीं करेगी, तो उस चेक को एक्सेप्ट कर लेगी। अब एक्सेप्ट करके जिस बंदे को पेमेंट करेगी ना, उसको हम कहेंगे पे। ही इज अ पर्सन हु रिसीव द सम ऑफ मनी मेंशन्ड इन द चेक। ठीक है, अब मैं आपको पूरा ये साइकिल समझाता हूं। ठीक है, अब समझे, मेरा नाम एच एच है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या एक बंदे को चेक लिखकर दिया, वो बंदे आप हो। ठीक है ना, आप चेक लेकर गए बैंक। ठीक है, तो बैंक जो कि है आपको चेक को लेगी और आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के आपको देगी। ठीक है, जितने उस चेक पे अमाउंट लिखी हुई होगी, सही है ना? अब गौर से सुन रहे। ठीक है, अब मैंने जो चेक लिख के दिया ना, तो मैं ड्रॉयर हूं। ठीक है, बैंक जो आपकी चेक देख के आपको पेमेंट कर रहा है ना, तो वो ड्रॉई है। ठीक है, अब जिसको पेमेंट मिल रही है यानी आप, ठीक है, आपको अगर पेमेंट मिल रही है ना, तो आप पे ही हो। ठीक है ना, समझ में आया? अब होप आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ ही चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। ठीक है।